रात के तकरीबन 2:45 का टाइम है और मैं नवीद इबन आदम का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी आ गए नवीद भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? आज 27 मार्च है और आज मैं जा रहा हूँ जेहलम में और मेरे साथ आज बिलाल भाई भी जाएंगे और हमारे एक भाई भी आए हैं। उनको मैंने रिसीव किया है, आज रात को रिसीव किया है इनको 3 बजे और करेंगे दीदार इनका नवीद भाई। हजरात हला लग जाए पता। नवीद भाई भी हमारे साथ ही आ जाएंगे जेहलम में, तो बिलाल भाई हमारे साथ हैं। हाँ जी, हम आपको चने भी दिखाएंगे जो हम अभी नाश्ता इधर से करेंगे और यहाँ से फिर हम जेलम के लिए निकलेंगे और इरफान भाई भी थोड़ी देर तक हमें यहाँ ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। ये चने हैं जी, लाहौरी चने, मशहूर चने हैं जी। यहाँ से हम आज नाश्ता करेंगे। आज हम इरफान भाई को यहाँ पे नाश्ता करवा रहे हैं। हाँ जी इरफान भाई, साढ़े नाश्ते का कैसा टेस्ट है? जबरदस्त है, चने जबरदस्त रहे जी। है भैया जी मसूद अजर, मसूद सफदर साहब, मसूद के छोटे भाई। और यहाँ से हम अभी नाश्ता करेंगे और निकलेंगे जी जेलम के लिए। हेलो वासे वाले भाई, आप आगे बैठ जाए। चलो जी मसूद भाई, ठीक है जी। बस बस मैं भी अपना नवीद भाई होना जी। अब जी हमारा सफ़र शुरू होगा जी जेलम का, और आज के ड्राइवर हैं हमें स्पॉन्सर किया जनाब बिलाल कुरैशी साहब ने, बाबर बिलाल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह। जी हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जेलम शरीफ कैंट चौक में। ये हमारा मीर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर चौक, ये काजिम कमाल रोड शुरू हो गया जी, इसके साथ ही हम एंटर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं जी एकेडमी। क्या टाइम हो गया रवीर भाई? हो गया जी 9:46, 9 तकरीबन 9:45 हम पहुँचे हैं। जल्दी पहुंच गए जी। हाँ अभी हम जा रहे हैं ऊपर, अभी तकरीबन 11:30 इंजीनियर साहब आते हैं। माशाल्लाह आज तो यहाँ पे हम एकेडमी में आए हैं, तो हमें यहाँ पे पता चला कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन यूट्यूबर से मिलेंगे। कौन कौन से भाई हैं ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे, उनसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह। ये हैं जी हमारे उस्मान भाई,
यहाँ पे आपको खालस दूध पत्ती और जो समोसे मिलते हैं वो इनकी ही बदौलत मिलते हैं, ये इनकी ही मेहनत होती है कि आपको यहाँ पे हर चीज़ खालिस मिलती है। और जो ताकतें इंजीनियर साहब के पीछे काम कर रही होती हैं उनमें से एक ये ताकत ये भी हैं जो चाय समोसे की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर होती हैं। माशाल्लाह दावत तबलीग के वाले से इनकी इनका बहुत सारा काम है, इनकी मेहनत है। और माशाल्लाह ये उस्मान भाई आप कितने साल से यहाँ पे? पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन कितने साल हो गए? ये तकरीबन हो गए 2009 से लेके ये 2022 से आ रहे हैं। शुरू के साथियों में से माशाल्लाह। उस्मान भाई अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इस दावत के साथ जुड़े रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं जी हमारे उस्मान भाई। अभी कह रहे थे नवीद भाई तो वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। फोर्स बिहाइंड दी ताकतों के पीछे ताकत। हाँ वो मैंने उर्दू में कह दिया ना, इसलिए कह रहे कि यार मेरी इंग्लिश बहुत। उस्मान भाई जो हैं वो फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस हैं। अली भाई के पीछे जो मेन ताकत है ना वो उस्मान भाई हैं। उनमें से उस्मान भाई में वैसे तो और भी भाई हैं हमारे। हाँ जी बहुत सारे हैं, नदीम भाई हैं और भी बहुत सारे भाई हैं, लेकिन उनमें से एक उस्मान भाई भी हैं। हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है दावत के नाम से। और ये हमारे शाहद भाई कौन नहीं जानता, ब्रांड बन चुके हैं। ये तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं शर्मिंदा क्या यार, हक बात है, सच्ची बात है। ये तो आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत और हमारे भाइयों की मोहब्बत है जो हमें इतना प्यार देते हैं। अच्छा मैं आपको कह रहा था जी, हमारे दोस्त आ रहे हैं यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो ये जो मैं कह रहा था आपको मशहूर लोग आ रहे हैं, बड़े अच्छे लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे उसामा भाई हैं। ध्यान उधर करो जी, उसामा भाई हैं जिन सब इनको तो आप जानते होंगे। ये भाई हैं भाई हमारे इन्वर्टेड पीपल वाले वहीद भाई, ये भी यहाँ पे आए हैं आज। तकरीबन बहुत सारे यूट्यूबर हैं हमारे भाई पे, हमारे भाई का भी कह रहे थे कि आएंगे लेकिन आप नहीं आ सके। आपका रब्ता हुआ था नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सारे इकट्ठे होंगे इसी एकेडमी में इसी जगह पे, फिर वही दौर आएगा फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आप इंशाल्लाह देखने वालों को कोई कहना चाहें? मैं तो यही कहूँगा जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, प्रेस करें। एकेडमी में लोगों को काफ़ी रश था और हमें खुसूसी तौर पर रेड जोन में बिठाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक वक्त आएगा कि तुम इसके खिलाफ बगावत करोगे, उस वक्त तुम बागी और जालिम होगे। जालिम के अल्फाज हैं जुल्म करने वाले। तो जब हजरत अली ने ये बात की ना तो हजरत जुबैर को फौरन वो हदीस याद आई, उन्होंने कहा मैं तो ये बात भूल गया था, अब मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करूंगा, वो मैदान जंग छोड़ के चले। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे वहीद भाई जो रिवर्टेड पीपल वाले हैं वो इंजीनियर साहब को इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल हैं उनके, इंजीनियर साहब जवाब देंगे। ये देखें आप देख सकते हैं सेटअप लगा लिया गया है, इंजीनियर साहब मुझे कोई जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारी आज की सेशन हुआ है माशाल्लाह, जो स्टूडेंट के साथ हुआ है। ये हमारे हैं इंजीनियर जैनल आबिदीन भाई, अल्लाह ताला आपको शायद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जैन भाई। अच्छा हम इसके बाद इंशाल्लाह बढ़ेंगे यहाँ एकेडमी में, क्योंकि तकरीबन 5 से 9 बजे तक सेशन हुआ है, जिसका आज अनवान था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा स्टूडेंट्स की अदालत में। तो इसके बाद 9 बजे तक ये सेशन हुआ है, काफ़ी चुके हैं यार, बहुत टफ दिन गुजरा, मज़ा भी बड़ा आया जो अभी सेशन हुआ है। इंशाल्लाह अभी हम ईशा की नमाज़ पढ़ के और मेरे ख्याल में यहाँ खाना भी खाएँगे हम अकेडमी में, तो खाना खा के इंशाल्लाह यहाँ से फिर निकलेंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा और बहुत मज़ा आया, और अभी हमने खाना खाया है, नमाज भी पढ़ ली है,
और अभी हम समझ लेंगे सारे जितने भी हमारे दोस्त आए थे वो भी काफ़ी हम लेट हो चुके हैं। उसामा भाई तकरीबन क्या टाइम हो गया, 10:30 हो चुके हैं। तो ये उसामा भाई जाएंगे फैसलाबाद, शाम में जाना है रावलपिंडी। तो आप आज आप जो कार गुजारी हमें कुछ सुनाएं थोड़ी सी, जो आप आज जो दिन गुजारा आपने यहाँ। आज का जो दिन है वो तो बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो मैं बताना चाहूँगा। जो निशिस्त रिकॉर्ड है ना अली भाई वहाँ अपने स्टूडेंट्स की अदालत में, वो वाली निशिस्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और मैं समझता हूँ कि यानी हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना वो सारे इस निशिस्त में कवर हो गए अलहमदिल्ला। और मैं यानी कि इसके लिए रुका हुआ था यहाँ पे, माशाल्लाह द्वारा वो भी कम्प्लीट हो गई, खाना वगैरह खा लिया हमने, और 10:30 का टाइम है और अब हमने घर की तरफ अपने निकलते हैं। मेरा तो सफ़र भी 5 घंटे का, इनका भी अच्छा नहीं, हमारा नहीं, हमारा सफ़र तकरीबन 2 घंटे का। लेकिन आज इस्लामाबाद में कोई रैली भी है वो सियासी जमात की, उसके लिए भी शायद हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर तक निकलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आप हमारे आज साथ हैं, और मैं पर्सनली तौर पर आपको बहुत लाइक करता हूँ, आपका बोलने का जो स्टाइल है वो मुझे बड़ा पसंद है। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही पैगाम, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म, हम वापस पिंडी को जा रहे हैं। और आज का दिन जो गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा, और एक एक करके पूछते हैं कि दूसरे भाइयों को कैसा गुजरा। जी मसूद भाई, आपका आज का जो दिन है वो कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा शायद भाई। हाँ जी इरफान भाई, कैसा दिन गुजरा जी आपका आज? अल्हम्दुलिल्लाह जी मज़ा आया जी आज का। हाँ जी बिलाल भाई जी, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त गुजरा जी। अगर आखिर में कह दो कि चैनल सब्सक्राइब कर दें तो अल्लाह शायद भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दें जी, शायद भाई का चैनल करो यार, बहुत पीछे ले जी। आज का व्लॉग ख़त्म, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।